कहानी जेंटलमैन शहर। रामदीन, कल्लू भैया आज कितने दिनों बाद हम आपके साथ शहर आए हैं। कल्लू भैया, पहली बार आए हैं रे, हमेशा अकेले चला आता है और बता रहा है कि कितने दिनों बाद आए हैं। कल्लू भैया ने आंखें तरेरते हुए रामदीन से कहा। रामदीन, आप भौतिक रूप से नहीं आए तो क्या हुआ भैया? हम जब भी आते थे आपको दिल में लेकर आते थे, रामदीन ने बात संभालते हुए कहा। कल्लू भैया, देखो रामदीन, नेताओं जैसी बात ना किया करो। हम और तुम गांव के गंवार हैं, वही रहें तो ठीक है। रामदीन, अरे भैया आप तो बुरा मान गए, चलिए छोड़िए भी अब। कल्लू भैया, रामदीन ये बताओ, हम लोग इतनी देर से इस कॉलोनी में घूम रहे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं कि कहां से आए हो, किसके घर जाना है। रामदीन, भैया ये अपना गंवार गांव नहीं है, जहां किसी अजनबी मेहमान के आते ही लोग पूछने पहुंच जाएं कि भाई कहां से आए हो, किसके घर जाना है, ये जेंटलमैन शहर है। कल्लू भैया, तो क्या जेंटलमैन किसी अजनबी से बात नहीं करते? रामदीन, भैया यदि उन्होंने किसी अजनबी से बात कर ली तो फिर काहे के जेंटलमैन। कल्लू भैया, रामदीन हम ठहरे गांव के गवार और तुम शहर के एक्सपर्ट, तुम्हारे साथ शहर आए हैं तो अब तुम ही हमें जेंटलमैन शहर से मिलवाओ। रामदीन, ठीक है भैया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भगवान ने आखिर हमें आपकी सेवा का मौका दे ही दिया। कल्लू भैया, रामदीन इतनी देर से हम लोग इस कॉलोनी में धूप में घूम रहे हैं, कोई छायादार पेड़ ही नसीब नहीं हुआ जिसके नीचे घड़ी दो घड़ी आराम कर लेते। रामदीन, भैया ये जेंटलमैन शहर है, यहाँ घर की शोभा बढ़ाने वाले दुबले पतले और छोटे पेड़ लगाए जाते हैं, नीम आम पीपल इमली और बरगद के पेड़ तो गंवार गांव में मिलते हैं। कल्लू भैया, अगर ये नीम पीपल और बरगद जैसे पूजनीय पेड़ नहीं लगाते हैं तो फिर हमारे देश की संस्कृति के अनुसार जिस दिन पेड़ों की पूजा करने का विधान है उस दिन ये पूजा किसकी करते हैं? रामदीन, भैया यहाँ बड़े समझदार लोग रहते हैं, जिस दिन उन पेड़ों की पूजा का दिन आता है ये उन पेड़ों के गमले खरीद लेते हैं जो उनके घर की शोभा भी बढ़ाते हैं। कल्लू भैया, तुम भी पागलों जैसी बात करते हो रामदीन, पीपल और बरगद जैसे पेड़ क्या गमले में लगते हैं? रामदीन, अरे भैया ये जेंटलमैन लोग हैं, ये यहाँ गमले में पीपल और बरगद भी लगा लेते हैं, इसे ही वे बोनसाई के नाम से पुकारते हैं। पेड़ के साथ इस बोनसाई नाम के लगते ही उस पेड़ की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। कल्लू भैया, लेकिन इतने बड़े और समृद्ध पेड़ को यदि ये गमले में लगा देते होंगे तो वह बेचारा पेड़ इन्हें चाहकर भी भरपूर ऑक्सीजन और छाया नहीं दे पाता होगा। रामदीन, भैया जेंटलमैन लोगों को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती, इन्हें सब कुछ कृत्रिम ही पसंद आती है, चाहे वह छाया हो या ऑक्सीजन। कल्लू भैया, छाया तो कृत्रिम समझ में आती है लेकिन कृत्रिम ऑक्सीजन? रामदीन, भैया यहाँ जेंटलमैन लोग प्लांट्स लगाते तो हैं लेकिन पेड़ वाले नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर वाले प्लांट्स। कल्लू भैया, रामदीन लेकिन वे पेड़ जो अपने जीवन में कितनी समृद्धता प्राप्त कर सकते थे उन्हें एक गमले तक सीमित करने का ये पाप नहीं करते? रामदीन, कल्लू भैया पाप गवारों को लगता है, जेंटलमैन को नहीं। कल्लू भैया, तुम ठीक कहते हो रामदीन, क्या है ना कि हम शहर कभी आए नहीं इसलिए ये सब पता नहीं है। रामदीन, कोई बात नहीं भैया,
अब अक्सर आ जाया करो, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। कल्लू भैया, एक बात और हमारे दिमाग में आई। रामदीन। रामदीन, क्या भैया? कल्लू भैया, जब यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं, तो बच्चे आम और इमली के पेड़ों पर चढ़ना और उन्हें तोड़ना तो जानते ही नहीं होंगे। रामदीन, भैया उनके जेंटलमैन संरक्षक ये सब उन्हें नहीं करने देते। कल्लू भैया, तब वे बच्चे बरगद की शीतल छांव और उस पर डले झूले का आनंद कैसे लेते होंगे। रामदीन, भैया यहाँ के बच्चों को ऐसी शीतल छांव और ऐसे झूले का अनुभव ही नहीं है। कल्लू भैया, तो उन्होंने शीतलता का अनुभव ही नहीं किया। रामदीन, किया है ना भैया, लेकिन वे शीतलता का अनुभव एयर कंडीशन से करते हैं। कल्लू भैया, कृत्रिम शीतलता? रामदीन, हाँ भैया। कल्लू भैया, और झूले का आनंद? रामदीन, उनके कमरे के अंदर ही स्टील के झूले लगे होते हैं भैया। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए, वाह। रामदीन और कल्लू भैया बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कल्लू भैया भोले लेकिन उत्सुक बच्चे की तरह चारों ओर देख रहे थे। कल्लू भैया आश्चर्य से, रामदीन यहाँ हर घर में कुत्ते से सावधान क्यों लिखा है? रामदीन, भैया यहाँ कुत्ते रहते हैं ना इसलिए। कल्लू भैया, तो क्या इन घरों में कुत्ते रहते हैं? फिर जेंटलमैन कहाँ रहते हैं? रामदीन, अरे भैया आप भी कितने भोले हो, इन घरों में जेंटलमैन के साथ कुत्ते रहते हैं। कल्लू भैया, लेकिन गांव में तो कुत्ते गली में रहते हैं। रामदीन, इसलिए तो गांव गंवार है ना भैया। कल्लू भैया, जब कुत्ते घर के अंदर रहते हैं तो गाय कहाँ रहती है? रामदीन, रामदीन भैया धीरे बोलिए, यदि किसी ने सुन लिया तो हंसेंगे। कल्लू भैया, क्यों हंसेंगे भाई? रामदीन, ये जेंटलमैन शहर है भैया, यहाँ गाय कोई नहीं पालता, सभी कुत्ते पालते हैं। कल्लू भैया, ऐसा कौन होगा जो गली में घूमने वाले कुत्ते को घर के अंदर और घर के अंदर रखने वाली गाय को पालता ही नहीं होगा? रामदीन, हम मजाक नहीं कर रहे कल्लू भैया, सच में यहाँ ऐसा ही है, तभी तो ये जेंटलमैन कहलाते हैं। कल्लू भैया, चलो ठीक है रामदीन, ऐसा करो किसी घर में आवाज लगाओ। रामदीन, आवाज लगाएं? लेकिन क्यों? कल्लू भैया, अरे भाई हमें प्यास लगी है इसलिए, किसी भी घर में आवाज लगाकर पानी मांग लो। रामदीन मुस्कुराता हुआ, भैया ये शहर है, घर में आवाज लगाकर यदि किसी को बाहर बुलाया और उससे पानी मांगा तो वो हमें ऐसे देखेगा कि जैसे हम दूसरे ग्रह से आए हैं। कल्लू भैया, ऐसा क्यों? रामदीन, भैया यहाँ कोई किसी अजनबी को पानी भी नहीं देता। कल्लू भैया, लेकिन यहाँ आसपास प्याऊ भी तो नहीं दिख रहा। रामदीन, कुछ देर और रुकिए भैया, आसपास कहीं दुकान होगी तो पानी खरीद लेंगे। कल्लू भैया धीरे स्वर में खुद से ही बोले, कभी सोचा नहीं था कि पानी खरीद कर पियेंगे। रामदीन, भैया ये रास्ता कॉलोनी से होकर जाता है, वास्तव में ये छोटा रास्ता है, यदि मुख्य रास्ते से जाते तो बहुत लंबा पड़ता। कल्लू भैया, अच्छा कोई बात नहीं। रामदीन, आप थके तो नहीं हैं भैया? कल्लू भैया, यदि थक गए हो तो क्या गोद में ले चलोगे? इस सुनसान कॉलोनी में एक रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। रामदीन समझ गया था कि कल्लू भैया चलते चलते थक गए हैं, लेकिन वह जिस रास्ते से कल्लू भैया को ले आया था वह रहीशों की कॉलोनी थी। कल्लू भैया, रामदीन ये बताओ कि ये कॉलोनी इतनी सुनसान क्यों है? रामदीन, भैया सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। कल्लू भैया, लेकिन यदि वे घरों में हैं तो इतनी शांति क्यों है?
घर में बच्चे होंगे, बड़े होंगे, देवरानी, जिठानी, भाई, बहन, चाचा, चाची, दादा, दादी, आखिर इतने लोग इस प्रकार खामोश कैसे रह सकते हैं? रामदीन, भैया यहाँ इतने बड़े परिवार नहीं होते, सभी अलग अलग घरों में रहते हैं। कल्लू भैया, क्यों भाई? रामदीन, जेंटलमैन लोग इतने बड़े परिवार में नहीं रहते कल्लू भैया। कल्लू भैया, तब भी कम से कम चार लोग तो रहते ही होंगे। रामदीन, हाँ भैया उतने तो रहते हैं। कल्लू भैया, अपने गांव में यदि चार लोग भी रहते हैं तब भी कितना हल्ला होता है, तुम ही बताओ। रामदीन, लेकिन भैया यहाँ लोग तेज आवाज में नहीं बोलते हैं। कल्लू भैया, भला क्यों, किसी का डर है क्या? रामदीन, नहीं भैया, जेंटलमैन लोग ऐसे ही होते हैं, उनके घर के बाहर आवाज तभी आती है जब वे आपस में लड़ रहे होते हैं। कल्लू भैया, और हंसते समय भी तो आवाज बाहर आती होगी। रामदीन, नहीं भैया, जेंटलमैन घर में जोर से नहीं हंसते हैं। कल्लू भैया, लेकिन रामदीन यदि हंसी आने वाली बात होती तब वे अपनी हंसी कैसे रोकते हैं? रामदीन, भैया तब वे मुस्कुरा देते हैं। कल्लू भैया, हमारे गांव में तो सभी के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट होती है, जब वे ठहाका मारकर हंसते हैं तभी पता चलता है कि वे हंस रहे हैं। रामदीन, भैया यहाँ घर में ठहाका मारकर हंसना गंवार लोगों की निशानी मानी जाती है। कल्लू भैया, तो क्या जेंटलमैन ठहाका मारकर भी नहीं हंसते? रामदीन, नहीं भैया ऐसा नहीं है, वे भी ठहाका मारकर हंसते हैं। कल्लू भैया, लेकिन तुमने तो अभी कहा कि ठहाका मारकर गंवार लोगों का काम है हंसना। रामदीन, नहीं भैया, हमने कहा कि घर में ठहाका मारना गंवार लोगों का काम है। कल्लू भैया, हम समझे नहीं। रामदीन, रामदीन, भैया जेंटलमैन खुद के या किसी दूसरे के घर में ठहाका लगाकर नहीं हंसते। कल्लू भैया, तो फिर? रामदीन, भैया भी ठहाका मारने हंसने के लिए लाफिंग क्लब जाते हैं। कल्लू भैया आश्चर्य से, ये क्या होता है? रामदीन, रामदीन, भैया ऐसी जगह जहां से सिर्फ ठहाका मारकर हंसने के लिए जाया जाता है। कल्लू भैया, सिर्फ ठहाका मारकर हंसने के लिए? रामदीन, हाँ भैया। कल्लू भैया, लेकिन जब वे वहां सिर्फ ठहाका मारकर हंसने के लिए जाते हैं तो इन्हें हंसी कैसे आ जाती है? रामदीन, भैया वे वहां बिना किसी बात के ही हंसते हैं। कल्लू भैया ठहाका लगाकर हंसने लगे। हा हा हा, क्या बात कर रहे हो रामदीन, कोई बिना बात के ठहाका लगाकर हंसेगा तो लोग उसे पागल ही समझेंगे। रामदीन, भैया जब कोई अकेले ठहाका मारकर हंसेगा तब उसे लोग पागल समझेंगे, लेकिन वहां सभी लोग ऐसे ही हंसते हैं। कल्लू भैया, यानी जब घर में ठहाका मारकर हंसने की बात होती है तब वे मुस्कुरा देते हैं, और जब क्लब में कोई बात भी नहीं होती है तब वे ठहाका मारकर हंसते हैं। अजीब जेंटलमैन लोग हैं। रामदीन मुस्कुराते हुए, हाँ भैया यहाँ ऐसा ही है। कल्लू भैया, मतलब ऑक्सीजन और छाया की तरह हंसी भी कृत्रिम? रामदीन, हाँ भैया वो भी कृत्रिम। कल्लू भैया, इसका अर्थ ये हुआ कि जेंटलमैन गंभीर होते हैं। रामदीन, हाँ भैया, जो जितना गंभीर वो उतना अधिक जेंटलमैन। कल्लू भैया, शुक्र है कि ये पानी प्राकृतिक ही पीते हैं। रामदीन, नहीं भैया, ये उसमें भी गड़बड़ करते हैं। कल्लू भैया, पानी में गड़बड़? रामदीन, हाँ भैया, ये पानी को आरओ में डालते हैं और फिर उसमें से जो पानी निकलता है उसे पीते हैं। कल्लू भैया, रामदीन ये आरओ क्या होता है? रामदीन, भैया वो पानी को साफ करने की मशीन होती है। कल्लू भैया, तो क्या यहाँ जमीन से गंदा पानी निकलता है?
रामदीन, नहीं भैया, निकलता तो वही है जो हमारे गांव में निकलता है और जिसे हम सब पीते हैं। कल्लू भैया, फिर? रामदीन, ये लोग पानी को साफ करने के साथ साथ बहुत से खनिज पदार्थों को भी अलग कर देते हैं। कल्लू भैया, लेकिन हमने तो सुना है वह हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और हमारी रोगों की लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। रामदीन, हाँ भैया, वो तो ये भी जानते हैं, लेकिन यदि ये साधारण पानी पिएंगे तो जेंटलमैन कैसे कहलाएंगे? कल्लू भैया, लेकिन जब वे ऐसा पानी पीते हैं तो क्या वे साधारण पानी नहीं पी सकते? रामदीन, लंबे समय तक उस मशीन का पानी पीने के बाद वे साधारण पानी नहीं पी सकते हैं भैया। कल्लू भैया, तो क्या वे साधारण पानी का स्वाद नहीं भूल जाते होंगे? रामदीन, हाँ सो तो है भैया, लेकिन यदि वे साधारण पानी पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग क्या कहेंगे। कल्लू भैया, रामदीन, जेंटल बनने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं यार। रामदीन, हाँ भैया, जेंटलमैन बनना आसान नहीं है। कल्लू भैया, रामदीन, हमारे दिमाग में एक बात आई है। रामदीन, क्या भैया? कल्लू भैया, ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाना प्राकृतिक है, छाया के लिए पेड़ की छाया प्राकृतिक है, पानी सीधे जमीन से निकालकर पीना प्राकृतिक है, बरगद जैसे पेड़ों की शीतलता लेना प्राकृतिक है, पेड़ों की झूलेनुमा लताएं प्राकृतिक हैं, हमेशा मुस्कुराहट भरा चेहरा प्राकृतिक है, हंसी आने पर ठहाके मारना प्राकृतिक है। तो क्या? रामदीन, हाँ भैया, जेंटलमैन की ये कैसी परिभाषा निकल कर सामने आ रही है। जब ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाना प्राकृतिक है, छाया के लिए पेड़ की छाया प्राकृतिक है, बरगद जैसे पेड़ों की शीतलता लेना प्राकृतिक है, पेड़ों की झूलेनुमा लताएं प्राकृतिक हैं, पानी सीधे जमीन से निकालकर पानी पीना प्राकृतिक है, हमेशा मुस्कुराहट भरा चेहरा प्राकृतिक है, हंसी आने पर ठहाके मारकर हंसना प्राकृतिक है, तो क्या जो प्राकृतिक नहीं है वह जेंटलमैन है? कल्लू भैया, तो क्या गांव गंवार इसलिए है क्योंकि वह पूरी तरह से प्राकृतिक है, और शहर जेंटलमैन इसलिए क्योंकि यहां कुछ भी प्राकृतिक नहीं रहा? रामदीन और कल्लू भैया कॉलोनी के एक घर के सामने लगे सुंदर पतले से पेड़ के नीचे बैठ चुके थे, जिसमें ना तो छाया थी और ना हरियाली की शीतलता।